हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 3 रुपये का शेयर, इंतज़ार हुआ ख़त्म। मतलब कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इसके रिजल्ट का, तो मात्र 3 रुपये का शेयर है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कौन सा शेयर है। क्या अब उड़ेगा ये शेयर, क्वेश्चन है भैया, क्या अब उड़ेगा ये शेयर। चलिए देखते हैं रिजल्ट को और उससे पता लगाते हैं क्या ये शेयर उड़ेगा। अच्छा रिजल्ट होगा तो डेफिनेटली उड़ेगा। जब ये शेयर उड़ता है तो भाई बल्ले बल्ले कर देता है, सबके मज़े आ जाते हैं। तो देखिए इसका रिजल्ट देखते हैं और इस शेयर के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो आप समझिए, मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड अगर आप देखें, मेजरली जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक छोटा सा स्टॉक है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 167-168 करोड़ के आसपास है। बुक वैल्यू 3 रुपये की है, करंट प्राइस 3 रुपये 30 पैसे का है। आज की डेट में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली शेयर में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 0.32%, डेट मात्र 5 या 6 करोड़ के अराउंड का डेट है। तो ये सारी चीज़ें इसके अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़बरदस्त उड़ा सा है ये शेयर, 9-10 रुपये के अराउंड गया था उछल के। और अब ये देखिए कहाँ से, मतलब 90 पैसे का शेयर ये उड़ के कितना गया था, 10 रुपये 30-40 पैसे तक चला गया था। फिर लगातार गिरावट रही और ये शेयर वापस 1 रुपये 60 पैसे का आया, फिर उछला और 4.45 तक गया। अभी फिर गिरा और ये 2.90-2.95 तक गया। क्या अब इसमें फिर से उछाल आएगा, कहने का मतलब है। चलिए रिजल्ट कब आया, देखिए रिजल्ट अभी 7 बजे के अराउंड रिजल्ट अपलोड हुआ है BSE की वेबसाइट पे, ज़्यादा दूर नहीं, अभी 7 बजे के अराउंड, अभी मीटिंग ही खत्म हुई इसकी 6-6:30 बजे, तभी रिजल्ट अपलोड हुआ है। तो देखिए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। ये देखिए रिजल्ट कैसा रहा। सबसे पहले मैं बात करूँगा टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3150, ये सारी फिगर लैक्स में है, तो 31 करोड़ 50 लाख का टोटल रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में था, यानी कि सेप्टेम्बर क्वार्टर में था। इस क्वार्टर में ये ऑलमोस्ट 35 करोड़ की फिगर तक जा चुका है, तो बढ़िया जंप मैं कहूँगा टोटल रेवेन्यू में। टोटल रिवेन्यू से एक क्वार्टर वन क्वार्टर बेसिस पे आसार लग रहे हैं कि शेयर में उछाल आएगा। और अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर दिसंबर में, तो ये ऑलमोस्ट 32 करोड़ का टोटल रिवेन्यू था, यानी कि 31 करोड़ 88 लाख का था, और इस बार कितना हो गया, 34 करोड़ 86 लाख का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ का उछाल टोटल रिवेन्यू में, तो बढ़िया भाई। मैं तो कहूँगा छोटा शेयर कोई नहीं इसमें, ये अगर अब कुछ लाख भी ज़्यादा गेन करता तो वही बढ़िया बात है। अब अगर आप देखें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ़ यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो अच्छे खासे लगे हैं, और जिसकी वजह से प्रॉफिट में थोड़ा कमी आई है। एक्सपेंसेस में भी देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट अगर देखते हो आप, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस 3400 करोड़ के अराउंड के एक्सपेंसेस टोटल लगे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर्स में देखिए सेप्टेम्बर क्वार्टर में 30 करोड़ के थे और उससे पहले 31 करोड़ के थे लास्ट ईयर दिसंबर में। तो इस बार एक्सपेंसेस अच्छे खासे हैं, और जिसकी वजह से प्रॉफिट कितना बना, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं कहूँ आपसे, तो देखिए 64 करोड़ 12 लाख का प्रॉफिट बना है, और जो कि पिछले क्वार्टर में था 59 करोड़ 19 लाख, मतलब कि 60 करोड़ से कुछ लाख कम। तो देखिए अब आप देखिए, अब आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखिए कितना लाख का जंप देखने को मिला है। मैं तो ये कहूँगी कि ऑलमोस्ट कितना 59 लाख से 64 लाख हुआ, 5 लाख का जंप यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिला। छोटा शेयर है, इतना बड़ा शेयर नहीं है, अच्छा जंप मैं कहूँगा। अगर ईयर ईयर बेसिस पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10-11 लाख का जंप, ये सारी फिगर लैक्स में है, इनको करोड़ में वो मत सोचना, ये सारी फिगर देखिए लैक्स में है, तो 10-11 लाख का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है, मैं तो कहूँगा भाई पॉजिटिव है शेयर में, कुछ दिन उछाल देखने को मिल सकता है, और मतलब ये नहीं कि भाई डबल हो गया प्रॉफिट, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी पॉजिटिव मैं कहूँगा इसको। तो यहाँ से अब आप सोच रहे होंगे भैया ये शेयर, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये छोटे शेयर काफ़ी रिस्की शेयर होते हैं। जब आप देखिए अगर आपके पास ये शेयर ऑलरेडी है, इसमें जब उछाल आएगा तो ये उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा, आप बेच सकते हो लेकिन खरीद नहीं सकते हो। लेकिन जब इसमें गिरावट आती है तो ये गिरता रहता है, आप इसको उस टाइम पे खरीद सकते हो लेकिन बेच नहीं सकते हो, क्योंकि लोअर सर्किट लग जाता है, कभी अपर सर्किट लग जाता है, ये चीज़ें इनमें रहती है। तो आप कभी भी छोटे रिस्की शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, छोटे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम होते हैं मार्केट में, तो ये रिस्क बना रहता है उसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड देखिए क्या किस तरीके की कंपनी है, मैंने जैसे आपको बताया था सोलर वाटर पम्प, सोलर पैनल, सोलर PV पैनल, इस तरीके से इन सब का इसका काम है ऊर्जा ग्लोबल का। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, उनके लिए आ चुका है ऊर्जा ग्लोबल का रिजल्ट, और 11 फरवरी आज है, आज ही रिजल्ट आना था, 7 बजे रिजल्ट आया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।